हाँ जी, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ बीए फाइनल. वी हैव कंप्लीटेड ऑल माय सन्स. ओके, और मैंने लाइन टू लाइन मतलब पेज वाइज आपको क्लियर कर दिया है. आई होप यू पीपल अंडरस्टैंड द स्टोरी. अब देखिए, इसमें ना कैरेक्टर स्केच देख लीजिए. एक तो जो केलर का कैरेक्टर स्केच मेन है, वो ज़रूर करना है. जो केलर का, क्रिस केलर का, एंड इन दोनों का इम्पॉर्टेंट है. और प्लस ऑल माई सन्स का एक आप वी कैन से कि प्लॉट कंस्ट्रक्शन, समरी, थीम, है ना, ये सारी चीज़ें आप ऑल माई सन्स की कर लीजिएगा. फिर भी मैं आपको मतलब डेली वाइज कुछ ना कुछ उसका बताती रहूँगी. और अभी थोड़ा सा आपका राइटिंग पोर्शन भी पड़ा है, तो वो भी मैं आपको करवा दूँगी. आपका एग्ज़ाम फिफ्थ फेब को है ना, जिस दिन फिफ्थ फेब को सैटरडे को आपका एग्ज़ाम है. तो होप आपको तब तक मैं फोर्थ तक बहुत सारी चीज़ें क्लियर कर दूँगी. ठीक है, टेंशन वाली कोई बात नहीं है. यू नो वेरी वेल कि घर पे बैठ के एग्ज़ाम देना है. ओके, तो प्लीज़ फिर भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा. बहुत सारे बच्चे हैं वो अच्छे से पढ़ते ही नहीं हैं क्वेश्चन, और जितने क्वेश्चन करने हैं उतने आप नहीं करते हैं. तो इट बिकम वेरी डिफ़िकल्ट फॉर अस टू एवेल्यूएट योर एग्ज़ाम, है ना. आपका एग्ज़ाम एवेल्यूएट करने हमें भी मुश्किल हो जाता है. तो प्लीज़ आप ध्यान से थोड़ा सा जो भी इंस्ट्रक्शंस है वो मैं बता भी दूँगी. उसके बारे में एक और वीडियो भी मैं आपको डाल दूँगी. तो फिलहाल आप एक तो जो केलर का कैरेक्टर स्केच पढ़ लो, क्रिस केलर का पढ़ लो, देन जो भी एक जो इंसिडेंट है वो सिलेंडर्स जो थे उनको कवर करके भेज दिया, वो वाले इंसिडेंट है वो भी आप कर लेना. और जो छोटे छोटे कैरेक्टर स्केच हैं, जैसे केट का हो गया, जिम बेलिस कौन है, है ना, और लीडिया कौन है, केट केलर का जो भी कैरेक्टर है उसके बारे में थोड़ा बहुत, एन और जो क्रिस का है वो रिलेशनशिप है उसके बारे में भी क्वेश्चन आ सकता है. प्लस लैरी के बारे में भी क्वेश्चन आ सकता है. होरोस्कोप कौन तैयार कर रहा था, है ना, डॉक्टर कौन है. और जो छोटे छोटे बच्चे हैं, जैसे बर्ट हो गया, है ना, वो बच्चों के बारे में भी मतलब छोटे छोटे क्वेश्चंस आ सकते हैं. वो मैं देख लूँगी एंड आपको क्लियर कर दूँगी. इस टाइम के लिए आप एक तो ऑल माई सन्स किसने लिखा है उसके स्पेलिंग अच्छे से लर्न कर लो. ऑल माई सन्स कैसे लिखना है वो देख लो. वो निज़म इज़ेकियल जो लिखा हुआ है वो उसने नहीं लिखा है, है ना. ऑल माई सन्स किसने लिखा है, आर्थर मिलर ने लिखा है, उसके स्पेलिंग लर्न कर लो. अमेरिकन ये हमारा अमेरिकन प्ले है, इट्स नॉट अ नॉवल, ये चीज़ भी माइंड में रखना. प्ले नॉवल में बहुत फ़र्क होता है, इट्स अ प्ले नॉट अ नॉवल. सो ये चीज़ें आप एक बार कीजिए तो मैं आपको आगे का जो भी है सिलेबस वो कवर करवाने की कोशिश करती हूँ. थैंक यू, होप यू पीपल आर वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड होप ये वीडियोज़ आपको बेनिफिट्स दे रही हैं. थैंक यू.